केंद्र सरकार और किसानों के बीच थर्ड राउंड की बातचीत, थोड़ी ही देर में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय करेंगे बात, बैठक में भगवंत मान भी होंगे शामिल। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, ट्रेनों पर पड़ा असर। किसानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब में 3 घंटे के लिए टोल बूथ फ्री करवाए। गाजियाबाद से दिल्ली में घुसने की कोशिश, गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसान, रोकने के लिए दिल्ली पुलिस रेडी। बिहार के औरंगाबाद में बोले राहुल गांधी, सेना की तरह देश के लिए लड़ रहे हैं किसान। किसान आंदोलन पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी तानाशाही कर रही है, किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगवाए। किसानों के आंदोलन करने का यह तरीका ठीक नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान। शरद पवार को बड़ा झटका, विधानसभा स्पीकर का फैसला, अजित पवार गुठे असली एनसीपी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा अजित पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है, आयोग मामले की सभी याचिकाएं खारिज की। स्पीकर के फैसले पर भड़के जितेंद्र औहाड़, कहा संविधान की अनदेखी हो रही है, उन्होंने 10th शेड्यूल्स का मजाक बनाया। यूपी में राज्यसभा की जंग हुई दिलचस्प, बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नॉमिनेशन। हिमाचल की इकलौती राज्यसभा सीट पर होगी टक्कर, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीट पर होंगे चुनाव, आखिरी वक्त में जेडीएस के उपेंद्र रेड्डी ने किया नामांकन, अब 5 उम्मीदवार हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा के लिए किया नामांकन, सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले एनडीए को 400 पार कराना हमारा लक्ष्य है, 370 से ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। महाराष्ट्र के राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन, बीजेपी से अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी ने किया नॉमिनेशन, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भरा पर्चा। अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने पर सुप्रिया सुले का तंज, कहा उन लोगों के लिए दुख हो रहा है जो बीजेपी के लिए ईमानदार थे। मिलिंद देवड़ा के अनुभव का फायदा मिलेगा, वो सकारात्मक राजनीति करने वाले नेता, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। इंडिया लायंस को फिर लगा झटका, फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले जयराम रमेश, हर पार्टी की अपनी मजबूरी है, एनसी और पीडीपी अलायंस का हिस्सा रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले एनडीए में शामिल होने का कोई सवाल नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का खुला खत लिखा, जो कुछ हूं रायबरेली की जनता की बदौलत हूं। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप का पलटवार, हार के डर से राज्यसभा चली गई। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पद छोड़ने का ऐलान किया, सीएम ममता के फैसले को लेकर उन्होंने अपने फैसले को लेकर जानकारी दी। मिमी चक्रवर्ती के इस्तीफे पर बोले कुणाल घोष, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मामले को खुद देख रही हैं। भारत मंडपम में बीजेपी नेशनल काउंसिल की मीटिंग, 17-18 फरवरी को देश भर से 11,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पंजाब दौरा रद्द, किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए कैंसिल हुआ। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह स्कीम असंवैधानिक, इसमें पारदर्शिता नहीं, जनता को जाने का अधिकार, चंदा कहां से मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत रोके, सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का बनाया था जरिया, राहुल गांधी का अटैक। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एससी के फैसले का हम सम्मान करते हैं। संदेश खाली मुद्दे को लेकर बंगाल में बवाल, ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी फैला रही है झूठ, संदेश खाली केस की जांच के लिए बना रहे हैं कमेटी। संदेश खाली हिंसा को लेकर सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प। पूर्वी बर्धमान में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, टायर जलाकर सड़क को किया जाम। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, संदेश खाली हिंसा पर सीएम ममता का बयान महिला विरोधी। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बोले टीएमसी प्रवक्ता, मणिपुर यूपी बिहार में अपनी टीम क्यों नहीं भेजती बीजेपी। कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने पर पीएम ने कतर के अमीर को शुक्रिया अदा किया, भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र पर आरोप, सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ काम करने से रोका जा रहा। बोइंग ने निखिल जोशी को दी अहम जिम्मेदारी, बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक बनाया गया। झारखंड के पूर्व सीएम को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, होटवार जेल में रहेंगे हेमंत सोरेन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का ईडी का समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोवा के सीएम ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, अयोध्या में बनेगा गोवा भवन। नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार का फैसला, सक्षमता परीक्षा के लिए 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन अवसर मिलेंगे। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार, जयपुर के स्कूल में कई बच्चे हिजाब में सूर्य नमस्कार करती नजर आई। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ताजमहल का दीदार किया, फैमिली मेंबर्स भी साथ थे। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। श्रीनगर में पंजाब के 2 युवकों की हत्या का मामला, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा। एक डॉलर की कीमत 83.04 रुपए। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 228 और निफ्टी 71 अंक उछला।